इसको हम प्लॉट करने जा रहे हैं कैपेसिटी सी को, एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। ये जितना डिस्कशन था ये बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के लिए था। तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में कैपेसिटी या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अगर आपको चैनल के ऊपर भेजना है तो आपका इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? इक्विप्रोबेबल होना चाहिए, पहली चीज, है ना, है ना, ठीक है। अगर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या कैपेसिटी के बराबर आप इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल पे, देन द इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्विप्रोबेबल होना चाहिए। पहला लॉजिक हमने विथड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ये नॉइज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो चैनल है जो है, सिग्मा की वैल्यू होगी होगी, ठीक है ना। अब देखो कैपेसिटी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की आई कितनी, 1 plus 1 minus epsilon log 1 minus epsilon plus epsilon log epsilon, यही तो आई। अब हम इसको प्लॉट करते हैं चैनल की कैपेसिटी, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की कैपेसिटी अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन, अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन के अगेंस्ट हम इस चैनल कैपेसिटी को प्लॉट करते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, एकदम क्रिटिकली, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, इस यूटिलाइजेशन को करने के लिए आपके इनपुट पे भी कंस्ट्रेंट है, समझ गए कि नहीं। अगर इनपुट को प्रॉपरली, मैं कहूं इनपुट को तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 0.4 0.6 और मैं चाहता हूं इतने बिट्स पर ट्रांसमिशन भेज दूं, तो एरर आएगी कि नहीं आएगी? एरर आएगी, अभी भी चैनल में एरर आएगी बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं। 0.1/2 के लिए आप इतनी इंफॉर्मेशन पर ट्रांसमिशन भेज पाओगे गारंटी के साथ, और यही मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स पॉसिबल है पर ट्रांसमिशन भेजना, किस पे? इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल पे। लेकिन अगर आपने इनपुट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग चूज कर लिया तो आप क्या बताओ 0.4/0.6 के लिए इतनी बिट्स पर ट्रांसमिशन भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे उतनी अगर भेजना चाहोगे तो एरर आ जाएगी। तो चैनल की कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए भी आपके इनपुट पे भी कंस्ट्रेंट है। भाई चैनल अवेलेबल है, इस चैनल की कुछ कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज गिवन एज दिस, इस कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए आपके इनपुट पे भी थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है बेटा। उसको यूटिलाइज करने के लिए इनपुट को भी आपको थोड़ा प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसका सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में ये खासियत है कि इनपुट के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट लगा दिया। जैसे आगे हम जब व्हाइट गॉसियन नॉइज वाला चैनल पढ़ेंगे तो वहां जो इनपुट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे यहां कंस्ट्रेंट लग गया प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, वहां इसी तरह से इनपुट के पावर लेवल पे कंस्ट्रेंट आ जाएगा कि उसको आप जैसा सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग चैनल की कैपेसिटी को आप ज्यादा कम कर सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। समझ में आई बात? तो इनपुट पे भी चैनल को मैक्सिमम यूटिलाइज करने का क्या रहता है, भार रहता है, इसका भी रोल रहता है। चैनल को मैक्सिमम यूटिलाइज आप कर पाओगे कि नहीं, कैपेसिटी के बराबर कर पाओगे कि नहीं, लेकिन कैपेसिटी से ज्यादा तो पॉसिबल कभी नहीं होगा, है ना। कैपेसिटी के बराबर यूज करने के लिए भी इनपुट का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वैसा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सेलेक्ट किया तो कैपेसिटी से कम ही यूटिलाइज कर पाओगे चैनल को, और कैपेसिटी से ज्यादा तो किसी केस में भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ये आपका क्रक्स है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। इसी तरह से जब देखेंगे व्हाइट गॉसियन नॉइज वाला चैनल जिसपे भी क्वेश्चन आता है, सैनन ने उसके लिए भी थियरम दिया था, तो वहां पे जो यहाँ पे इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कंस्ट्रेंट हम लगा रहे हैं, वहां पे हम वही कंस्ट्रेंट लगाएंगे इनपुट के पावर लेवल पे। जो सिग्नल भेज रहे हो उसका पावर लेवल क्या है, उसके पावर लेवल को आप अलग अलग सेलेक्ट करके इसी चैनल के को आप डिफरेंटली यूटिलाइज कर सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइज या उससे कम यूटिलाइज आप कर सकते हो, है ना। समझ में आई बात? प्रॉपर पावर लेवल को सेलेक्ट करके, है ना, आप उसी चैनल की कैपेसिटी को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये बात समझ में आ गई कि जब इनका इक्वल प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करेंगे तो इतने बिट्स पर ट्रांसमिशन भेज पाएंगे। अब हमने इक्विप्रोबेबल सिलेक्शन कर लिया इनपुट का, और अब हम इतने बिट्स पर ट्रांसमिशन भेज सकते हैं, सी बिट्स पर ट्रांसमिशन हम भेज सकते हैं, ये हमें पता चल गया मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम हैं। अब हमारी मर्जी है कि इतने बिट्स से हम थोड़ा कम ही भेजें या इतनी बिट्स सारी भेज दें एक ट्रांसमिशन में, है ना। हम इसने कह दिया कि अगर आपने इनपुट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 1/2 सेलेक्ट कर लिया तो आप सी बिट्स पर ट्रांसमिशन भेज पाओगे गारंटी के साथ इस चैनल पे। अब हमारे ऊपर है कि हमने x0 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 सेलेक्ट करने के बाद भी हम सी के बराबर
नंबर ऑफ बिट्स भेजें पर ट्रांसमिशन या उससे कुछ कम भेजें टू बी ऑन सेफर साइड, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। तो उसी तरह से वहां पे जब देखेंगे कि इनपुट का एक पावर लेवल आप सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बेसिस पे आ जाएगा एक कैपेसिटी चैनल की कि इस चैनल के ऊपर हम कितना बिट्स भेज सकते हैं पर ट्रांसमिशन। अब आपके ऊपर है कि आप उतनी बिट्स भेजो या उससे कम भेजो, क्योंकि रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए या रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए कैपेसिटी के बराबर है, कैपेसिटी से कम बिट्स आपको भेजनी है। लेकिन कैपेसिटी कब मिलेगी, कब आप इतनी भेज पाओगे इन्फॉर्मेशन गारंटी के साथ, उसके लिए इनपुट पे भी कंस्टेंट है, ये दिमाग में ध्यान रखना। मैं जब से म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ तब से इस चीज़ को बार बार कर रहा हूँ, ठीक है ना। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, है ना, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से चीजों को समझो, अब हम इसको प्लॉट करने जाते हैं। पहला एप्साइलन की वैल्यू जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जीरो होगी या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एप्साइलन कहां से कहां वेरी कर सकता है, जीरो से लेके वन तक। प्रोबेबिलिटी, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है या वन हो सकती है ना मैक्सिमम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर या तो जीरो होगी या तो मैक्सिमम वन या इन बिटवीन होगी हमेशा। तो जीरो से वन के लिए हमें प्लॉट करना है। जब एप्साइलन क्या है, जीरो है, तो देखो क्या आएगा, ये वन माइनस जीरो वन, लॉग वन, वन लॉग वन जीरो, जीरो लॉग जीरो इज जीरो। फॉर एंट्रोपी कैलकुलेशन हम हमेशा यही करते हैं, जीरो लॉग जीरो इज जीरो। तो कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई फॉर एप्साइलन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एप्साइलन इक्वल टू वन, हम यहां पॉइंट ले लेते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में एप्साइलन वेरी कर रहा है ना, एप्साइलन इक्वल टू वन हम पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, डायग्राम अच्छा बनेगा, ठीक है। यहां वन ले लेते हैं एप्साइलन वन, जीरो से वन के बीच में एप्साइलन वेरी, एप्साइलन वन पे देखो वन माइनस वन जीरो, लॉग वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो लॉग जीरो, वन लॉग वन, वन लॉग वन इज ऑल्सो जीरो, जीरो लॉग जीरो इज ऑल्सो जीरो। तो फिर से कैपेसिटी क्या आ गया, वन। तो कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी आ रही है, वन के बराबर आ रही है बेटा, ये है ना, ये पॉइंट है ना, ये वन ही है, ठीक है। कैपेसिटी देखो एक तरह से मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, ठीक है, यही मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो एप्सिलॉन की वैल्यू वन बाई टू सेलेक्ट कर लो, एक वन बाई टू सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन भी करेंगे तो आएगा कैपेसिटी सी इज नथिंग बट वन प्लस वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू लॉग वन बाई टू प्लस वन बाई टू लॉग वन बाई टू, एप्साइलन वन बाई टू हमने लिया है, ठीक है ना। तो ये आ गया वन प्लस टू इंटू वन बाई टू लॉग वन बाई टू, ये आ गया वन प्लस लॉग वन बाई टू, और लॉग वन बाई टू की वैल्यू क्या हो गई, बेस टू है, ये माइनस वन हो गई इसकी वैल्यू, वन माइनस वन क्या आ गया जीरो। कैपेसिटी जीरो हो जाएगी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, वन बाई टू। अब अगर इसको आप ध्यान से प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा, जैसे जीरो से बढ़ना शुरू किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, वन बाई टू, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऐसा चैनल है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वन बाई टू है तो कैपेसिटी जीरो हो गई, तब आप इस पर कुछ भी नहीं भेज पाओगे स्मॉल एरर के साथ, ये ऐसा हो गया ना, साइनोसाइडल नेचर का इस तरह से रहता है नॉर्मली, है ना, आप अच्छे से बना लेना। तो ये पॉइंट है जब 1 बाई टू पे कैपेसिटी जीरो हो गई और आपके 1 वैल्यू पे कैपेसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम, है ना, 1 और 0 वैल्यू पे कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम। अब कोई कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जीरो थी, तब तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर जीरो थी तो जो ये फंक्शन है, एक चीज और ध्यान से देखना, बहुत लोग सोच रहे होंगे वन प्लस समथिंग है तो ये तो वन प्लस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वन से ज्यादा हो सकती है कैपेसिटी। बेटा ध्यान से देखना, ये अगर वन माइनस एप्साइलन क्या है, वन माइनस एप्साइलन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन माइनस एप्साइलन लॉग ऑफ वन अपॉन वन माइनस एप्साइलन प्लस एप्साइलन लॉग ऑफ वन अपॉन एप्साइलन लिख सकता हूं क्या मैं, ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत लोग इससे कंफ्यूज होंगे, वन प्लस समथिंग है ये तो ज्यादा आना चाहिए वन से, ये तो मैक्सिमम वैल्यू सर कह रहे हैं वन है, तो ध्यान से देखना चीजों को, है ना, समझने की कोशिश करना ध्यान से, क्या है वन माइनस एप्सिलॉन लॉग वन माइनस एप्सिलॉन, माइनस साइन को अंदर लेते गए और माइनस बाहर, तो लॉग पे लगा तो वन माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमेशा जीरो से वन के बीच में रहेगा और वन माइनस एप्सिलॉन भी इसलिए क्या रहेगा, जीरो से वन के बीच में, भाई एप्साइलन जीरो से वन के बीच में रहेगा तो वन में से एप्साइलन क्या है, जीरो से वन के बीच में, तो वन माइनस एप्साइलन भी जीरो से वन के बीच में ही रहेगा। अब अगर ध्यान से देखो वन माइनस एप्साइलन जीरो से वन के बीच में, वन अपान ये जीरो से वन के बीच में मतलब वन से लेस, तो ये वन से लेस, तो वन अपान वन से लेस क्या होगा, वन से ज्यादा, और जैसे ये वन से ज्यादा जाएगा अब ये लॉग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वन अपान एप्साइलन, एप्साइलन जीरो से वन के बीच में, तो जीरो से वन के बीच में तो ये
वन से कम से इससे डिवाइड करो, जीरो से वन के बीच में 0.2, 0.3, तो ये 1/0.2 क्या आएगा, वन से ज्यादा आएगा, तो ये लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो ये पॉजिटिव और ये लॉग की वैल्यू भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये भी लॉग की, तो अब ये पूरा क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा एप्सिलॉन के किसी वैल्यू के लिए, और वन में से कुछ प्लस क्वांटिटी घटा रहे हो तो जो क्वांटिटी घटा रहे हो उसकी वैल्यू जब मिनिमम होगी तभी ये सी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जब ये वाला मिनिमम हो जाए। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, एक ही केस में ये पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, जब एप्सिलॉन जीरो हो जाए तब ये पॉजिटिव वैल्यू जीरो हो जा रही है, एप्सिलॉन वन हो जाए तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू जीरो, एप्सिलॉन जीरो हो जाए तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू जीरो, और उस केस में सी क्या, मैक्सिमम वैल्यू वन पे आ रहा है, ठीक है ना। यहां से जो वन प्लस दिख रहा है ना, ये चीज हमेशा निगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि वन माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन हमेशा जीरो से वन के बीच में है, और लॉग की वैल्यू वन से कम के लिए क्या होती है, निगेटिव होती है, वन से वन के लिए लॉग की वैल्यू जीरो, और वन से ज्यादा अगर आपका आर्गुमेंट है लॉग फंक्शन में तो वैल्यू पॉजिटिव आती है ना। तो ये लॉग वन माइनस एप्सिलॉन हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि वन माइनस एप्सिलॉन हमेशा जीरो से वन के बीच में है, लॉग एप्सिलॉन भी हमेशा निगेटिव आएगा, है ना। और तो ये निगेटिव वन में से कुछ घट रहा है ना, हमेशा वो घटने वाली चीज अगर मिनिमम हो जाए, जो कि पॉसिबल है, जीरो वैल्यू पॉसिबल है एप्सिलॉन की, वन और एप्सिलॉन की जीरो वैल्यू पे ये वाला पूरा फंक्शन जो घटने वाली चीज है जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वन, है ना, हमेशा ये ध्यान रखना, इसीलिए इस फॉर्म में मैंने लिखा, ठीक है। अब ये हमेशा प्लस वैल्यू दे रहा है, प्लस वैल्यू दे रहा है, और उस प्लस हमेशा ये पॉजिटिव पूछा रहा है, उस पॉजिटिव की वैल्यू घटते घटते क्या हो जाए, जीरो हो जाए पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू घटते घटते जीरो हो जाए तो वन में से घटने वाली चीज मिनिमम हो जाएगी, जीरो वैल्यू, और आपका कैपेसिटी सी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कब मिल रही है, एप्सिलॉन की जीरो वैल्यू पे और एप्सिलॉन की क्या, वन वैल्यू पे, एप्सिलॉन की जीरो वैल्यू पे और एप्सिलॉन की वन वैल्यू पे, और मिनिमम कैपेसिटी कब मिल रही है, एप्सिलॉन की 1/2 पे, है ना। तो कैपेसिटी तो है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कितना भेज सकते हो किसी चैनल के ऊपर, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के ऊपर, कितनी, इतनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो पर ट्रांसमिशन बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं थी, एप्सिलॉन, हमने कहा अगर एप्सिलॉन एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल ले रहे हैं, डिफरेंट बाइनरी सिमेट्रिक चैनल ले रहे हैं जिसके एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो यही कैपेसिटी जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम भेज सकते हैं उस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमने ये मेजर किया है कैपेसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी अगर हम एप्सिलॉन को वेरी करें, मतलब अलग अलग बाइनरी सिमेट्रिक चैनल लें जिनके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अलग अलग हो, है ना, सारे बाइनरी सिमेट्रिक के चैनल है, सबका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अलग अलग है, तो जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम उस चैनल पे भेज पाएंगे पर ट्रांसमिशन वो क्या होगा, अलग अलग होगा, दैट इज कैपेसिटी क्या होगी सारे चैनल्स की अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि सारे चैनल की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉइस का लेवल अलग 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 होगा, तो इन्फॉर्मेशन जो मैक्सिमम आप भेज पाओगे अलग अलग चैनल में क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग चैनल की कैपेसिटी अलग अलग होगी, है ना, तो वो एप्सिलॉन का फंक्शन हो गई, ठीक है। यही देखो कैपेसिटी इज फंक्शन ऑफ द नॉइज ऑफ द चैनल, नॉइज अलग अलग होगा तो कैपेसिटी अलग अलग नॉइजी चैनल की अलग अलग होगी, होनी भी चाहिए, है ना, सारे चैनल की एक कैपेसिटी कैसे हो सकती है। अब एक चीज देखो, मैक्सिमम कब मिला, सी इज मैक्सिमम। अब ये सी हम कैसे मेजर कर रहे हैं, सी जो कैपेसिटी है चैनल की जो प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो चेंज हो रही है, तो चैनल की कैपेसिटी कैसे चेंज हो रही है, हम वो मेजर कर रहे हैं इस ग्राफ में, ये ध्यान रखना, है ना। पहले तो हमने कोई एक चैनल ले लिया जिसका एप्सिलॉन कुछ है, जो भी है उसके रिस्पेक्ट में हम इस चैनल पे अगर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, कैपेसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कब मिलेगा वो भी हमने कंडीशन देख ली। अब यही चैनल की कैपेसिटी जो है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की कैपेसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन वैल्यू, अगर इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल अलग अलग बाइनरी सिमेट्रिक चैनल लें जिनमें एरर अलग अलग है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो अलग अलग चैनल की कैपेसिटी क्या होगी हम वो मेजर कर रहे हैं ना। व्हेन एप्सिलॉन इज जीरो एंड एप्सिलॉन इज वन, जब एप्सिलॉन जीरो है ओ आर या एप्सिलॉन वन है, और मिनिमम कैपेसिटी कब मिल रही है, कैपेसिटी मतलब आप जीरो बिट भेज सकते हो आर्बिट्रेरली स्मॉल एरर के साथ, जब एप्सिलॉन क्या है 1/2 है, ध्यान से देखना। अब चलो एप्सिलॉन जीरो तो समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, जीरो है, चैनल में कोई एरर ही नहीं है, तो जो भेज रहे हो वही मिल जा रहा है, और अगर आप इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 करते हो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में, तभी आप
इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भेज पाते हो। तो इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने चूज कर लिया 1/2, 1/2, तो इनपुट का जो इंट्रोपी एचएक्स कितना आ जाएगा, 1 बिट आएगा कि नहीं बताओ, 1 बिट पर ट्रांसमिशन या पर मैसेज, है ना, 1 बिट पर ट्रांसमिशन या पर मैसेज, ठीक है। 1/2 log 1/2, 1/2 log 1/2 माइनस साइन बाहर, तो 1 बिट आ जाएगी, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0 है, आप क्या कर रहे हो, पर मैसेज या पर ट्रांसमिशन आप कितने बिट एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट आपका पर ट्रांसमिशन या पर मैसेज कितना है इनपुट में, इनपुट के एक मैसेज में 1 बिट की इंफॉर्मेशन है हर मैसेज में। अब आपका अगर एरर फ्री चैनल है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 है, अगर एरर फ्री चैनल है मतलब चैनल में एरर है ही नहीं, जो भेजोगे वही मिलेगा, तो आप 1 बिट आपने इमिट किया पर मैसेज, है ना, जो एंट्रोपी है, एवरेज इंफॉर्मेशन आपने कितना है आपके एक मैसेज में पर ट्रांसमिशन, एक मैसेज में आपके कितना एवरेज इंफॉर्मेशन है, 1 बिट, और जो आपका मैसेज है वो खुद बाइनरी बिट ही है, आपका अगर मैसेज देखा जाए तो खुद में एक बाइनरी बिट ही है ना, मैसेज M1 M2 भी हो सकता है, ये M1 M2 भी हम कह सकते हैं, और M1 M2 खुद में क्या है, एक बाइनरी डिजिट ही है अगर देखो तो। आप पर मैसेज कितने बिट की इंफॉर्मेशन इमिट कर रहे हो, 1 बिट की, और कैपेसिटी अब कितनी आई, 1 बिट पर ट्रांसमिशन आ गई कि नहीं, ये वाली वैल्यू 0 हो गई एप्सिलॉन 0 के लिए, 1 बिट पर ट्रांसमिशन। आपने एक मैसेज इमिट किया और उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट कितनी थी, 1 बिट, और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप एक बार में भेज सकते हो पर ट्रांसमिशन, 1 बिट को आपने भेज दिया, पहला मैसेज इमिट किया और उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट था 1 बिट का, और कैपेसिटी भी कितनी है, 1 बिट है, 1 बिट आप भेज सकते हो एक ट्रांसमिशन में, आपने तुरंत सारा का सारा 1 बिट भेज दिया और वो एरर फ्री विद आर्बिट्रेरली स्मॉल एरर के साथ रिसीव हो गया, क्योंकि कैपेसिटी के बराबर अगर नंबर ऑफ बिट्स भेज रहे हो पर ट्रांसमिशन, तो आर्बिट्रेरली स्मॉल एरर के साथ रिसीवर इन पे रिसीव हो जाएगा। तो चैनल नॉइज फ्री है, जो आप मैसेज इमिट कर रहे हो सबको भेजते जा रहे हो सारी इंफॉर्मेशन, और विदाउट एरर वो रिसीवर एंड पे क्या होता जा रहा है, रिसीव होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, एरर फ्री चैनल है। तो एप्सिलॉन 0 पे आपको मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना ये एचएक्स की वैल्यू है उतना ही आप क्या कर दे रहे हो, भेज दे रहे हो, है ना, पर मैसेज जितने बिट्स आपके इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन भेज दे रहे हो, क्योंकि उतनी ही कैपेसिटी है पर ट्रांसमिशन, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक मैसेज की एक ही बार में जा रही है और वो एरर फ्री रिसीव हो जा रही है, क्योंकि आपने जो बिट्स भेज रहे हैं पर ट्रांसमिशन वो कैपेसिटी के बराबर हैं। तो कैपेसिटी के बराबर अगर नंबर ऑफ बिट्स भेजोगे पर ट्रांसमिशन, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा, आपको एरर फ्री कम्युनिकेशन होगा, तो यहां हो रहा है। अब दूसरी चीज पे आते हैं, एप्सिलॉन 1 के लिए भी कैपेसिटी मैक्सिमम वैल्यू पे है अपने 1 वैल्यू पे। अब देखो, जब एप्सिलॉन 1 का क्या मतलब है, एप्सिलॉन 1 मतलब 1 भेजोगे तो 0 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, मतलब 1 तो 0 ही मिलेगा, एज ए 1 को एज ए 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, तो 1 भेजोगे तो वो एज ए 0 ही रिसीव होगा, और अगर 0 भेजोगे तो वो एज ए 1 ही रिसीव होगा, क्योंकि 0 भेजने पे 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, 0 भेजने पे 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब अगर 0 भेजोगे तो हमेशा 1 मिलेगा रिसीवर इन पे, 1 भेजोगे तो हमेशा 0 मिलेगा रिसीवर इन पे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे है अपने 1 पे। अब देखो, इससे ये इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मैक्सिमम है, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू नॉइज फ्री चैनल, है ना, ये भी क्या है, नॉइज अगर चैनल में आपके मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए तब भी दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉइज फ्री चैनल। कैसे, अगर आपको पता है गारंटी के साथ कि जब भी 1 भेजूंगा 0 ही मिलेगा, और जब भी 0 भेजूंगा 1 मिलेगा, तो अगर मुझे आउटपुट पे 1 मिला है तो मुझे गारंटी के साथ पता है कि 0 ही भेजा गया था। अगर मैंने 1 भेजा और 0 ही मिलेगा वो, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो गारंटी है कि 0 ही मिलना है, 1 एज ए 1 रिसीव ही नहीं हो सकता, एज ए 0 ही रिसीव होगा, तो मुझे आउटपुट पे अगर 0 रिसीव हुआ तो मुझे पक्का पता है कि 1 ही भेजा गया, ये एरर फ्री कम्युनिकेशन है कि नहीं। मुझे अगर 10 बिट मिले आउटपुट पे 1 0 0 1 1 0 1 0, है ना, इस तरह से मुझे 10 बिट अगर मिले तो मुझे पता है जहां 1 मिला है वहां पक्का 0 है, और जहां 0 मिला है वो पक्का 1 है। तो जितनी बिट्स आपने जो भेजी थी, 0 यहां भेजी थी, 0 100% आउटपुट पे मिल गया, जहां 0 मिला मुझे पता है कि यहां 1 ही भेजा गया था, तो मैं इजीली क्रैक कर लूंगा कि मुझे यही भेजा गया था,
गारंटी के साथ आपका कम्युनिकेशन एकदम रिलायबल कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने जीरो रिसीव किया है तो वन ही भेजा गया होगा, क्योंकि वन जब भी इनपुट से भेजा जाएगा वो एज ए जीरो ही रिसीव होगा 100% प्रोबेबिलिटी के साथ, जीरो भेजा जाएगा तो एज ए वन रिसीव होगा 100% प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू नॉइज फ्री चैनल, क्योंकि आपको पता है जब कि यहां जीरो वन आप इजिली केवल डिजिट्स को फ्लिप कर दोगे आउटपुट पे, तो आपको गारंटी के साथ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनपुट से भेजी क्या गई थी। जबकि अगर यही प्रोबेबिलिटी मान लो ये 1/3 होता तो 1 भेजते तो उसके 1/3 प्रोबेबिलिटी होती कि वो एज ए 0 रिसीव होता और 2/3 प्रोबेबिलिटी होती एज ए 1 रिसीव होता। तो अगर आपको 1 या 0 मिला है आउटपुट पे तो आपको गेस करना पड़ता कि वो हो सकता है 1 भी हो सकता है और वो हो सकता है 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि भाई जीरो के एज ए वन रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और 1 के 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो कोई बिट अगर 1 रिसीव हुई तो मेरी एक प्रोबेबिलिटी है कि 0 भेजा गया होगा, क्योंकि 0 भी एज ए 1 रिसीव हो सकता है और 1 भी एज ए 1 रिसीव हो सकता है, तो 1 भी भेजा जा सकता है। तो आप 0 या 1 दोनों में से कोई भी भेजा गया होगा अगर मैंने 1 रिसीव किया है ना। मैं 100% नहीं कह सकता कि 0 ही भेजा गया होगा, 100% नहीं कह सकता कि 1 ही। जबकि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो गई तो अगर 0 रिसीव हुआ है तो 100% है कि 1 ही भेजा गया होगा, 0 भेजा गया होगा ये हो ही नहीं सकता। तो 0 रिसीव होने का मतलब 1 ही भेजा गया होगा, है ना। ये नहीं प्रोबेबिलिटी है कि कुछ प्रोबेबिलिटी है कि 0 भेजा गया हो, कुछ प्रोबेबिलिटी है कि 1 भेजा गया हो, तब आपको शंका रहती 1 भी हो सकता है भेजा गया हो, 0 भी हो सकता है भेजा गया हो, है ना। लेकिन जब एकदम पूरा नॉइजी चैनल हो जाएगा तो 1 को फ्लिप करके 0 और 0 को 100% फ्लिप करके 1 करेगा, तो आउटपुट पे अगर 1 रिसीव हुआ है मुझे 100% पता होगा कि 0 भेजा गया होगा, और 0 अगर रिसीव हुआ तो 100% पता है कि 1। सारी इंफॉर्मेशन मैं क्रैक कर दे रहा हूं, कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रहा, इसीलिए कैपेसिटी मैक्सिमम आ रही है एप्सिलॉन 1 पे। नॉइज जब मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी या फिर जब मैक्सिमम है तो भी चैनल इज जस्ट बिहेविंग लाइक ए नॉइज फ्री चैनल, एंड द कैपेसिटी नॉइज फ्री चैनल की कैपेसिटी क्या है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। नॉइज अगर कई सारे बाइनरी सिमेट्रिक चैनल हैं तो जो नॉइज फ्री चैनल होगा उसकी कैपेसिटी सारे चैनलों में क्या होगी, सारे बाइनरी सिमेट्रिक चैनलों में उसकी मैक्सिमम होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। कैपेसिटी इटसेल्फ इज अ मैक्सिमम वैल्यू, और इस कैपेसिटी को हम एज ए प्रोबेबिलिटी एरर फंक्शन के साथ मेजर कर रहे हैं कि अलग अलग चैनल है जिनके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अलग अलग हैं, तो अलग अलग चैनल की कैपेसिटी क्या होगी। तो किस चैनल की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, जिसमें एरर फ्री होगा जो चैनल, या जिसमें एरर क्या होगी मैक्सिमम होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मैक्सिमम होगी, वो चैनल की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। और बाकी किस चैनल की कैपेसिटी सबसे कम होगी, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 1/2 हो जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो जाएगा, 1/2। देखो क्यों, 1 भेजा उसके 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, 1 भेजा उसके 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो अगर आपके पास है ना, आपको 1 रिसीव हुआ तो उसके 0 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और 1 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब यहां पे ज्यादा या कम प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, मतलब यहां गेस करना कि क्या आया है बहुत ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनना ये 1/2 वाले एनालिसिस, फिर मैं इन सब सारी चीजों को लिखवा दूंगा, है ना, लैंग्वेज के फॉर्म में। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 है तो देखो, अगर आपको 1 मिला तो 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, 0 के 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 1 मिला आपको तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1-1/2 1/2 है, है ना। तो आपको 1 मिला तो वो 0 या 1 हो सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी तरह से अगर आपको 0 मिला तो आपको भेजा गया होगा या तो 0 या तो 1 विद इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/2। आप अब देखो, जब इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी एप्सिलॉन 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 1/2 होगी, तो देखो 1 भेजोगे 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 भेजोगे 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी तरह से 0 भेजोगे 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 0 भेजोगे 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, ठीक है, 1 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो अगर मुझे कोई भी बिट मिली है, यहां पे अगर 0 मिली है तो मेरी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि 1 भेजा गया होगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि 0 भेजा गया होगा। क्यों, क्योंकि 0 रिसीव हुआ है तो 0 भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, 0 रिसीव हुआ है तो 1 भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। मतलब अगर मुझे 0 रिसीव हुआ है तो इक्वली प्रोबेबल है कि 1 भी भेजा गया होगा या तो 0 भेजा गया होगा। अब रिसीवर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में 0 भेजा गया था कि एक्चुअल में 1। किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती,
किसी की कम होती तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि एक्चुअली में क्या भेजा गया होगा। जब जीरो रिसीव हुआ, जीरो भेजे जाने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वन भेजे जाने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो रिसीवर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। जब दोनों इक्विप्रोबेबल हैं तो मैं कैसे श्योर हो सकता हूं कि कौन भेजा गया होगा। अगर वन अगर जीरो भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी होती 2/3 और वन भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो मैं रिसीवर क्या सोचता कि जीरो होने के चांस ज्यादा है कि जीरो भेजा गया होगा, है ना। वन भेजे जाने के चांस कम है तो उसको डिसाइड करना रहता कि मैं एक ग्रुप ऑफ बिट्स आई तो उसमें से वो कई सारे बिट्स को इजिली रिकवर कर पाता कि जीरो ही भेजा गया होगा गारंटी के साथ, जब मैंने 2/3 और 1/3 समझाया था, है ना, उसके रेशियो में वो रिकवर कर पाता कुछ बिट्स एक्चुअल में और कुछ बिट एरर के साथ, है ना। लेकिन वो डिसाइड कर पाता, रिसीवर के पास डिसीजन मेकिंग होता कि क्या भेजा गया होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं और वो उस बिट को ही उसमें कन्वर्ट करने के रिसीवर के भी चांसेस ज्यादा है, रिसीवर एक डिसीजन मेकिंग ले सकता है। जबकि जब इक्वल प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन 1/2 हो जाएगा तो जीरो रिसीव होने में जीरो भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और वन भेजे जाने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, 1 - एप्सिलॉन भी 1/2 और एप्सिलॉन भी 1/2। तो अब जीरो रिसीव हुआ तो मैं श्योर ही नहीं हूं, कह रहा है कि जीरो भेजे जाने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वन भेजे जाने की, तो अब रिसीवर तो कहेगा ये तो दोनों इक्विप्रोबेबल है, मैं क्या बताऊं कि जीरो भेजा गया होगा, क्या बताऊं कि वन भेजा गया। अगर जीरो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती तो कहता जीरो भेजा गया होगा ये ज्यादा प्रोबेबल है ना, वन भेजा गया होगा ये कम प्रोबेबल है। लेकिन जब दोनों इक्विप्रोबेबल हो गए तो अब रिसीवर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि जीरो भेजा गया था कि वन भेजा गया था, क्योंकि दोनों इक्विप्रोबेबल हैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि जीरो भेजा गया कि वन, तो रिसीवर कंफ्यूज रहेगा। तो जीरो रिसीव हुआ है वो उसको जीरो भी कर सकता है, उसको वन भी कर सकता है, मतलब रैंडमली वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो एरर फ्री कम्युनिकेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब रिसीवर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भेजा क्या गया है, जीरो भेजा गया कि वन, किसी बिट को रिसीव करने के बाद वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं ले पा रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है एरर का, तो वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, तो फिर आप जो भी भेजोगे रिसीवर कंफ्यूज रहेगा, फिर एरर फ्री कम्युनिकेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी चैनल की, मतलब इस पे जीरो बिट भेज सकते हो विद आर्बिट्रेरली स्मॉल एरर, है ना। तो अगर ऐसा चैनल चूज कर लिया जिसका एप्साइलन 1/2 है, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, तो उस पे आप एरर फ्री ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, कैपेसिटी जीरो का होने का मतलब। अब ये सारी चीजें मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवा देता हूं, जितने इंटरप्रिटेशन मैंने विथड्रॉ किए हैं, है ना। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज थी, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इसीलिए थोड़ा लेंथी एक्सप्लेनेशन भी हुए होंगे, लेकिन अब आप समझ गए होंगे। तो अब पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीजें लिख लीजिए, पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीजें लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, The channel capacity of a binary symmetric channel, channel capacity of a binary symmetric channel, capacity itself is a maximum value of mutual information, और फिर हम different epsilon की values पे देख रहे हैं channel capacity क्या value हो सकता है, ठीक है ना, है ना, अलग अलग binary symmetric channel पे। channel capacity of a binary symmetric channel is maximum when epsilon is equal to zero, that is bracket में लिखो, that is probability of error is zero, that is noise free channel. That is noise free channel. Obviously, बात है, noise free channel पे आप maximum information भेज पाओगे। Logics, simple सा logic समझ में आ रहा है ना? मैंने mathematically भी थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करी उस चीज को, थोड़ा आप समझ पाओ, चीजों को relate कर पाओ, है ना। दूसरा point लिखिए, उसी में आगे लिखिए, channel capacity of a binary symmetric channel is also maximum When epsilon is equal to one, epsilon की different values आप लीजिएगा, 0.6, 0.7, 0.3, 0.2, है ना, तो आपको सब समझ में आएगा, है ना, ये symmetric graph ही बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे 0.6 है, यहाँ से 0.5 से 0.1 आगे, तो 0.5 से 0.1 पीछे,
0.4, इन दोनों पे वैल्यू चैनल कैपेसिटी की क्या आएगी, सेम आएगी, है ना, जो भी होगी सी वन वैल्यू, है ना, ये सेम आएगी, ये सिमेट्रिक टाइप का ग्राफ बनेगा। अभी मैं समझा भी दूंगा मैथमेटिकली कैसे, ठीक है। When epsilon value is equal to 1, that is the noise of the channel, that is the noise of the channel is at maximum value, probability of error epsilon maximum value 1 पे है, तो noise of the channel is at maximum value, है ना, बहुत ही ज्यादा noisy channel है, the noise of the channel is at maximum value, है ना, तो नॉइज ऑफ द चैनल इज एट मैक्सिमम वैल्यू, और उसका सिग्निफिकेंस मैंने समझाया था, उस केस में जब भी जीरो भेजोगे हमेशा वन मिलेगा, वन भेजोगे जीरो, तो गारंटी के साथ आपको आउटपुट पता है कि आउटपुट पे जीरो रिसीव हुआ है, तो गारंटी है कि वन ही भेजा गया होगा, वन रिसीव हुआ है तो गारंटी है कि जीरो, तो जो भी भेज रहे हो वो एग्जैक्टली आप क्या कर पा रहे हो, वहां पे रिसीव कर पा रहे हो इजिली, चैनल को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हो एक तरह से, है ना, तो ये एक तरह से लॉजिक है यहाँ पे, है ना, एप्साइलन वन पे भी इसीलिए कैपेसिटी मैक्सिमम मिल रही, नहीं तो कोई लोग कहेंगे सर नॉइज तो बहुत बढ़ गया एप्साइलन वन का मतलब, फिर कैसे चैनल पे आप क्या कर पा रहे हो, ट्रांसमिट कर पा रहे हो क्या, इन्फॉर्मेशन करेक्टली कैसे ट्रांसमिट कर पा रहे हो, है ना, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लिखो तीसरा पॉइंट या दूसरा पॉइंट जो भी, द कैपेसिटी ऑफ अ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इज मिनिमम व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। इसमें डिसीजन मेकिंग ही रिसीवर नहीं कर पाएगा, वो मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, है ना, मैं उसको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 के लिए चैनल की कैपेसिटी क्या होती है, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की कैपेसिटी मिनिमम होती है। और एक चीज और ध्यान रखो कि चैनल कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 bit per transmission, हमेशा कभी भी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी की बात की जाए, कैपेसिटी तो इटसेल्फ है ना, तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की जो कैपेसिटी सी है वो हमेशा किसके किसके बीच में है लाई कर रही है, अगर ध्यान से देखो 0 से 1 के बीच में, है ना, 1 bit per transmission मैक्सिमम आप भेज सकते हो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल पे, है ना, और मिनिमम 0 bit या इन बिटवीन इसी के आप कुछ भेज सकते हो पर ट्रांसमिशन, है ना, एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की बात हो रही है ना, देख लो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की कैपेसिटी भी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना, और 0 और 1 के बीच में होगी, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 0 से 1 के बीच में ही होगी, है ना, 0 कब होगी, जब एप्सिलॉन 1/2, 1 कब होगी, जब एप्सिलॉन 0 और 1 होगा, ठीक है ना। और यहां ध्यान से देखो, जब एप्सिलॉन 0.4 लोगे तो ये आ जाएगा 0.6 log 0.6 प्लस 0.4 log 0.4, और जब 0.6 लोगे एप्सिलॉन तो 1 माइनस 0.6 0.4 log 0.4 प्लस 0.6 log 0.6, दोनों चीजें सेम है कि नहीं, 0.4 log 0.4 प्लस 0.6 log 0.6 इज सेम एज 0.6 log 0.6 प्लस 0.4 log 0.4, है ना, तो ये सिमेट्रिक है, इसीलिए जब 0.4 के लिए जो वैल्यू वही 0.6 के लिए, इसी तरह से 0.3 के लिए जो वैल्यू होगी वही 0.7 के लिए वैल्यू होगी, इसी तरह से 0.8 के लिए जो वैल्यू यहां 0.2 के लिए वैल्यू होगी, इसीलिए जैसा यहां है वैसा यहां इंक्रीजिंग, है ना, यहां वाली वैल्यू यहां पे होगी, यहां वाली वैल्यू यहां पे होगी, ये वैल्यू वाली यहां पे, है ना, सेम वैल्यूज आ रही है ना, सिमिलर, है ना, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू रख के आप देख सकते हो, 0.3 के लिए जो होगा वही 0.7 के लिए होगा, 1 माइनस 0.3 0.7 log 0.7 प्लस 0.3 log 0.3, 0.7 के लिए क्या होगा 1 माइनस 0.7 0.3 log 0.3 प्लस 0.7 log 0.7, तो दोनों चीजें सेम है, 0.7 log 0.7 प्लस 0.3 log 0.3 इज सेम एज 0.3 log 0.3 प्लस 0.7 log 0.7, इसीलिए ये जैसा यहां है वैसा सिमेट्रिकली इधर है, इसीलिए यहां पे ये पॉइंट कॉमन अगर सेलेक्ट करोगे, अगर 0.4 का मुझे पता है 0.5 से ये कितना पीछे है 0.1, तो 0.5 से 0.1 आगे अगर कर दोगे 0.6 पे भी वही वैल्यू होगी, 0.5 से कितना पीछे है ये 0.3, 0.2 पीछे है, तो 0.5 से 0.2 आगे 0.7 पे भी वही वैल्यू होगी, है ना, तो ये सिमेट्रिकली है, 0.2 लोगे तो ये 0.5 से कितना पीछे है 0.3 पीछे है, तो 0.5 से 0.3 आगे 0.8 पे भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, है ना, तो ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0 से 0.5 के बीच में होगी तो कैपेसिटी आपकी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, इसी तरह से अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में होगी तो भी कैपेसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, है ना, हमेशा, और 1/2 का है डिवाइडिंग फैक्टर है, 1/2 पे 0 है, 1/2 से अगर आप घटते जाओगे एप्सिलॉन की वैल्यू तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, 1/2 से अगर आगे भी बढ़ाओगे तो भी कैपेसिटी बढ़ेगा, और 1/2 पे 0 है, अगर ध्यान से देखो
इस पॉइंट को, एप्साइलन को अगर 1/2 से हम कम कर रहे हैं इधर, तो भी कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम 0.4 पे आए तो कैपेसिटी इतनी थी, 0.3 पे आए तो कैपेसिटी और बढ़ गई, 0.2 पे आए तो कैपेसिटी और बढ़ गई, और घटते घटते जब एप्साइलन 0 हुआ तो कैपेसिटी 1 पे चली गई, मैक्सिमम जो पॉसिबल कैपेसिटी है किसी बाउंड्री सिमेट्रिक चैनल की। ठीक है, अब 1/2 से अगर हम बढ़ा भी रहे हैं तो इधर जब बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर एप्साइलन 1/2 से बढ़ाओगे आगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, 1/2 से एप्साइलन को घटाओगे तो भी कैपेसिटी बढ़ेगी, और 1/2 पे कैपेसिटी क्या होती है, 0। इस कर्व का नेचर यही है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या पॉसिबल हो सकती है, 1 bit per transmission, इससे ज्यादा नहीं। तो नोट डाउन करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये आ सकता है एक नंबर में, ये सब आपके ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, नोट, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सब ऑब्जर्वेशन है और कभी भी पूछा जा सकता है ना, तो मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। नोट लिखो, द मैक्सिमम कैपेसिटी पॉसिबल ऑफ ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इज, कैपेसिटी इटसेल्फ इज अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, और उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्साइलन, है ना, कि नॉइज ऑफ एरर ज्यादा कम के बेसिस पे क्या हो सकती है ना। नोट, द मैक्सिमम कैपेसिटी, कैपेसिटी की भी मैक्सिमम क्या वैल्यू पॉसिबल है ऑफ ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, है ना। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इज, मैक्सिमम कैपेसिटी पॉसिबल ऑफ ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल इज 1 bit per transmission, याद रखो हमेशा, ये आ सकता है आपसे एक नंबर में, मैं पूछ सकता हूँ, है ना। इस तरह के क्वेश्चन मैं फ्रेम करूंगा टेस्ट सीरीज में, है ना, देखते हैं कितने लोग लॉजिकली पढ़ते हैं बाकी जगह। 1 bit per transmission, किसी भी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी पॉसिबल क्या हो सकती है, 1 bit per transmission, एंड करेस्पॉन्डिंग टू नॉइज फ्री चैनल और परफेक्टली नॉइजी चैनल, है ना, दोनों केस में मैक्सिमम कैपेसिटी बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की पॉसिबल है। बाकी एप्साइलन की वैल्यूज के लिए चैनल कैपेसिटी 1 से कुछ कम होगा, और अगर एप्साइलन 1/2 कर दिया तो चैनल कैपेसिटी ही 0 हो गया, मतलब कोई ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं है। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट नोट डाल के, फॉर एप्साइलन इज इक्वल टू 1/2 इन ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, ये बाइनरी सिमेट्रिक चैनल का रिजल्ट है, बाकी कोई और बाइनरी एसिमेट्रिक चैनल आ जाएगा तो ये रिजल्ट मत कर देना, उसका रिजल्ट कुछ और होगा। फॉर ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, और यही बार बार पूछा जाता है इसीलिए ये सारी एनालिसिस मैं आपको करके बता रहा हूं, है ना। फॉर ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल विद एप्साइलन इज इक्वल टू 1/2, एरर फ्री ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, एरर फ्री ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना, एरर फ्री ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 0। ए बाइनरी सिमेट्रिक चैनल विद एप्साइलन इज इक्वल टू 1/2, एरर फ्री ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल बिकॉज कैपेसिटी ऑफ दिस चैनल इज 0 bit per transmission। मैक्सिमम कितनी बिट भेज सकते हो पर ट्रांसमिशन इस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 है, 0 bit ही भेज सकते हो पर ट्रांसमिशन, इससे ज्यादा भेज ही नहीं सकते, मतलब 0 bit आप भेज सकते हो पर ट्रांसमिशन विद आर्बिट्रेरली स्मॉल एरर, 0 bit मतलब कोई बिट ही नहीं भेज सकते स्मॉल एरर के साथ, मतलब कभी भी कोई बिट भेजोगे तो इसमें एरर आएगा ही आएगा। एरर फ्री कम्युनिकेशन या रिलायबल कम्युनिकेशन बाइनरी सिमेट्रिक चैनल एप्साइलन 1/2 के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई कहे एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एप्साइलन इज इक्वल टू 1/2, देन एरर फ्री कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ऑन दिस चैनल, strictly no, error free communication is not possible at all on this channel. Whenever आप communication करोगे तो bits भेजोगे, और इसकी capacity है कि 0 bit ही भेज सकते हो per transmission with small error, मतलब अगर एक भी bit भेजोगे, इससे ज्यादा bit अगर आप भेजोगे per transmission तो error आएगी आएगी, error free communication फिर possible नहीं होगा। ये इसका क्या है, इंटरप्रिटेशन है, केवल मैं ग्राफ खींच दूं बता दूं उसका कोई मतलब नहीं, जब तक ये सब एनालिसिस आप नहीं करोगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं, और इसमें जितनी एनालिसिस मैंने करी है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक एक नंबर के कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो चीजें मैंने बताने की कोशिश करनी दिमाग में आपके घुसी हैं कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप समझाने पे आओगे चीजों को ऑब्जर्व करोगे, है ना, डायरेक्टली मैं भी बता देता, देखो ये आ गई, ये ग्राफ खींच देते हैं बस हो गया, फिर तो कोई मतलब नहीं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या, ड्रा हो क्या रहा है। कम्युनिकेशन चैनल मैं बनाने जाऊंगा, एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल लूंगा तो उसमें
कैसे मैं चीजों को देखूंगा एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, कि क्या मैं कर सकता हूं इस चैनल के साथ क्या नहीं, वो ऑब्जर्वेशन आपको मैथमेटिक्स का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, इस लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहा हूं। बाइनरी सिमेट्रिक चैनल की ही हम एनालिसिस करेंगे, हम निकालेंगे बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम बाइनरी एसिमेट्रिक चैनल पढ़ेंगे, वहां पे चैनल कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर वहां देखेंगे कि एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आप कैसे निकालोगे। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के डिस्कशन में होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।